हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ करेले की रेसिपी, और ये करेला भुजिया बनाने जा रही हूँ। और ये भुजिया बहुत ही पुराने तरीके से बनेगा, जैसा कि हमारी दादी नानी बनाती आ रही हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और सबसे ज्यादा ये इतना टेस्टी बनने वाला है ना कि आप इसे हर बार अपने डिनर और लंच में शामिल करना चाहेंगे। तो करेला भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए करेला। तो यहाँ पर हमें लेना है फ्रेश करेला और इसे अच्छे से धो लेना है। तो 2 से 3 पानी में मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब करना क्या है कि एक नाइफ लेना है और इसके पीछे का जो नोड है उसे हमें कट कर देना है, और थोड़ा सा आगे का। और इसे कैसे हमें कट करना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हमें स्लाइस में कट करना है, यानी कि इस तरीके से गोल गोल राउंड शेप में हमें इसे कट कर लेना है। सीड्स हमें नहीं निकालने हैं, क्योंकि इसके सीड्स भी काफी हेल्दी होते हैं, और इसका कुछ भी हमें बाहर नहीं फेंकना है, कुछ भी हमें इसे वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसके कटिंग कर लेते हैं गोल गोल राउंड शेप में। और ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि इतनी पुरानी रेसिपी है ना कि आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विधान किचन इंदौर जरूर से सब्सक्राइब करें। यहाँ पर करेले को हमने कट कर लिया है, इस तरीके से हमें कट करना है, और इसकी जो थिकनेस है आप देखिए, ये इतना मोटा होना चाहिए। तो करेला रेडी है, अब हम चलते हैं इसका तड़का लगाने के लिए। उसके लिए हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गया है, तो मैं इसे बहुत ही पुराने तरीके से बना रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, आप चाहे तो अपना मनपसंद कोई ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल हम थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें ऐड करेंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाना चाहिए, तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा वैसे ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना और 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 लहसुन की कलियां दाने बारीक कटा हुआ, और सूखी लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने 2 लाल मिर्च ली हुई है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए वैसे ही हमें इन करेलों को ऐड करना है। फ्लेम को हमें लो रखना है यहाँ पर, अब हमें करेले को धीमी धीमी आंच पर तब तक रोस्ट करना है जब तक कि करेला क्रिस्पी नहीं हो जाता, यानी पूरा क्रिस्पी नहीं होना चाहिए, यानी ब्राउन हो जाना चाहिए और हल्का हल्का क्रिस्पी हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें इन करेलों को रोस्ट करना है। यहाँ पर करेलों को हमें धीमी धीमी आंच में ही रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाते और हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो जब आप इन्हें क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे तभी इनका स्वाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक करके 3 से 4 मिनट और हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि नमक अभी हमने ऐड किया है तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अभी से रोस्ट करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है हमें। करेला लगभग यहाँ पर रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें कुछ सीक्रेट मसाले ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही पुराने तरीके से बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले जो हम ऐड करने वाले हैं वो है सरसों दाने का पाउडर, जो काली सरसों होती है ना जिसे राई बोलते हैं, तो पहले वही यूज होता था। तो उसको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा दलदला सा कूट लेना है, इसे क्रश कर लेना है,
इस तरीके से आपको दरदरा पाउडर बना लेना है। इसे हम ऐड करेंगे, एक चम्मच के करीब ऐड करना है, और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर इसे भी ऐड करेंगे, और अगर नहीं है धनिया जीरा पाउडर तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करें, और लास्ट में जो इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा चेंज कर देने वाला है और इसे टेस्टी बनाएगा वो है आमचूर पाउडर, आम की खटाई का पाउडर। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और एक से दो मिनट हम धीमी आंच पर इसे अब रोस्ट करेंगे। करेले की भुजिया अब हमारी तैयार है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है और काफी क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन करेले की भुजिया को हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। जब आप ये करेले की भुजिया को गर्मा गर्म ही खाएंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ, तभी इसका स्वाद आपको पता चलेगा। तो झटपट से बनाइए इस रेसिपी को और गर्मा गर्म रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। काफी सिंपल रेसिपी है मगर काफी टेस्टी है और हेल्दी रेसिपी है। हमने करेले के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए ये सबसे हेल्दी रेसिपी है, कुछ भी वेस्ट भी नहीं हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, और अगर पसंद आता है रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जो चीज कड़वा है वही तो सच्चा है। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।